तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियो की फेज 3 में आई सभी मूवीज के बारे में। अगर आपने फेज 1 और फेज 2 की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने पहले ही फेज 1 और फेज 2 की सभी मूवी के बारे में बता चुका हूँ। तो यार फेज 3 की शुरुआत कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से होती है, जो की आई थी 6 मई 2016 को। फिर इसके बाद आती है डॉक्टर स्ट्रेंज और ये आई थी 4 नवंबर 2016 को। फिर इसके बाद आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 और ये आई थी 5 मई 2017 को। फिर इसके बाद आती है स्पाइडरमैन होमकमिंग, जो कि आई थी 7 जुलाई 2017 को। फिर इसके बाद आई थी थॉर रैग्नारोक और ये आई थी 3 नवंबर 2017। फिर इसके बाद आई थी ब्लैक पैंथर और ये 16 फरवरी 2018 को आई थी। फिर इसके बाद आई थी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और ये आई थी 27 अप्रैल 2018 को। फिर इसके बाद एंटमैन एंड द वास्प, जो कि 6 जुलाई 2018 को आई थी। फिर कैप्टन मार्वल आई थी, जो कि 8 मार्च 2019 में आई थी। फिर इसके बाद सागा की लास्ट मूवी एवेंजर्स एंड गेम आई थी, जो कि 26 अप्रैल 2019 को आई। फेज 3 की लास्ट मूवी आई थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो 2 जुलाई 2019 को आई।